हेलो दोस्तों, आज हम अपने कान्हा जी के लिए तिरंगा ड्रेस बनाकर लाए हुए हैं। इसे हम ऊन के द्वारा बनाए हुए हैं, साथ में चोली भी हम जिस तरह से घेरा बनाए हुए हैं उसी तरह से हम चोली भी डाले हुए हैं बनाकर। ये चोली यहाँ पे डोरी का काम करेगा और इतना इसे हम इसलिए नहीं कलर इसमें लगाए हुए हैं क्योंकि अंदर की ओर ये चला जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए देखिए, आपको जितने नंबर के का ड्रेस बनाना है उतना नंबर का आप घेरा कटिंग कर लें। ये हम यहाँ पे घेरा कटिंग किए हुए हैं। देखिए, घेरा कटिंग करने के बाद में देखिए, एक इसे हम तीन भाग में बांट चुके हैं इसे, और आप देख रही हैं एक हम इस जगह पे लाइनिंग लगाए हुए हैं, एक इस जगह पर लगाए हुए हैं। एक दो तीन, तीन भाग में हम इसे बांट लिए, गोलाई में पूरा पूरा इसे हम। आप ये अस्तर का कपड़ा भी ले सकती हैं, आप ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी कपड़ा ले सकती हैं, आप ये सूती कपड़ा हो। अब देखिए, अब हम इस तरह से ऊन का कटिंग करेंगे। ये ऊन हम कटिंग करके रखे हुए हैं। इसे कटिंग करने के लिए इस तरह से हम ऊन ले लेंगे और अपनी उंगलियों में इसे हम लपेट लेंगे। इस तरह से हम लपेट लिए। ये हम बीच से काट लिए। अब इसे इस तरह से हम पकड़ लेंगे। ये महीन हो चुका है, काफ़ी महीन, इसलिए हम अलग से इसे करेंगे। देखिए, इस तरह से पतले पतला 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 हम इसे बिल्कुल करीब से इस तरह से काटते चले जाएंगे। तो इसे हम तीन कलर में काट कर, जो तिरंगा का कलर है, तीन कलर में काट कर हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से जितना भी है इसे हम काट लेंगे। इस तरह से देखिए, हम ये कटिंग किए। अब इतना कटिंग कर लेने के बाद हथेलियों में हम इसे उठा लेंगे और उठाकर इसे और फिर से दोबारा हम इस तरह से करेंगे ताकि एक भी बचा ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से ये महीन हो जाए। देख रही हैं आप इस तरह से। अगर आप बुनकर बनाना चाहती हैं तो ये हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं, क्रोशिया से भी बनाए हुए हैं और सिलाई से भी बनाए हुए हैं। देखिए, इस तरह से हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। जहाँ आपको शक लगे कि है कहीं भी कोई भाग बचा हुआ है, बड़ा है, तो उसे आप इस तरह से कटिंग कर लें। देखिए, अभी बिल्कुल महीन हो चुका है। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। तो सिर्फ ये ही नहीं तैयार करेंगे, हम इस पे और दो कलर है इसे भी तैयार कर लेंगे। ये दोनों को तैयार कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इसे हम किसी भी चीज़ के ऊपर रख लेंगे जो थोड़ा सा ऊंचा हो और जहाँ पे अगर आप पेस्ट करें तो ये सटे ना। तो चलिए, अब हम यहाँ पे जो गोलाई हम एक यहाँ पे दिए हुए हैं उस गोलाई में हम इसे पेस्ट कर लेंगे। ये भाग हम थोड़ा सा बड़ा रहने दिए हैं ताकि हमें कान्हा जी को डालने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसे हम कुछ बड़ा रहने दिए हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे लगा लेंगे। जो हम लाइन खींचे हुए हैं उसी लाइन तक हम इसे लगाएंगे। एक लाइन हम खींचे हुए हैं यहाँ पे गोलाई से, उसी लाइन तक। देखिए, कुछ हम हाथों से भी इसमें मदद ले लेते हैं, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, मिल गया। अब हम ये जो बना कर रखे कटिंग किए हुए हैं इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पे चिपकाएंगे।
अगर आपका एक्स्ट्रा इधर उधर भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक आप गम लगाई हुई हैं वहीं तक ये सटेगा, बाकी आप इसे फिर झाड़ सकती हैं अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से इसे हम गम के ऊपर डाल चुके हैं। अब ये ज़रा सूख जाए इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा हमारा है उसे हम निकाल लेंगे। तो इसे सूखने देते हैं हम, और फिलहाल हम और ऊन का दो कलर का जो ऊन है उसे उसका हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए अब इसे हम अच्छी ढंग से किनारे किनारे से इस तरह गोल घुमाते हुए इसे हम मिला चुके हैं, गोलाई में कर चुके हैं इसे हम इस तरह से, और यहाँ किनारे बीच में भी हम इस ढंग से हटा चुके हैं। तो इस तरह से इसे देखिए कर चुके हैं, ये अपने शेप में आ चुका है। अब हम इस यहाँ पे वाइट कलर लगाएंगे, वाइट कलर हम फेविकॉल से लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये तो इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस बार फेविकॉल से लगा रहे हैं। तो चूँकि फेविकॉल से लगाना है तो यहाँ हमें हाथ भी इस पे लगाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम इस तरह से निकाल लेते हैं, और कुछ दूर हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, एक बार में हम पूरी गुलाई में नहीं लगाएंगे। इस तरह से जो बीच का बचा रह जाएगा, जो अगर नहीं हम कवर कर पाएंगे बीच में, तो वहाँ फिर हम कोई भी एक बार और डाल करके, और हम कोई गम डाल करके और उसे भी कर लेंगे। हालांकि करने का हम इसी वक्त कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे उंगलियों पे तो चिपक जाएगा तो यहाँ ऊन भी उस पे आ सकता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से इसे करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जहाँ तक हम इस पे एक रेखा खींचे हुए हैं कलम के माध्यम से, वहाँ तक हम इस पे ये चीज़ लगा चुके हैं। अब देखिए अब हम इसे यहाँ पे हम वाइट कलर का ऊन को लगाते हैं। देखिए कवर कर लिया है बीच में भी, तो हम एक बार में यहां तक लगाएं। अब हम फिर से इसे घुमा लेंगे, घुमाने के बाद हम दूसरी तरफ भी इसे लगाएंगे। फेविकॉल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जल्दी सूखता है। तो ये देखिए ये इस तरह से एक साइड में हो गया है। अब हम यहाँ पे फिर से फेविकॉल लगा लेंगे। इस तरह से हम इसे यहाँ पे वाइट कलर और इस किनारे में ग्रीन कलर लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। ये हम तीनों कलर यहाँ पे डाल चुके हैं, अभी ये सूखा नहीं है, जब ये सूखेगा तो इससे हम इसे हटा देंगे। अब हम इसका चोली बनाएंगे। देखिए चोली बनाने के लिए हम इस तरह से, जिस तरह से हम कपड़े का चोली बनाते हैं उसी तरह से इसमें हम कटिंग कर लिए हैं। कटिंग कर लेने के बाद में देखिए अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से फैला लेंगे। ये तो डोरी हो जाएगा जो कि आपको बांधने में यहाँ पे काम आएगा, डोरी हम बांधेंगे उसके लिए ये। और साथ में हम यहाँ से लेकर, देखिए इतना दूर से यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक
ऊपर तक, अगर लगाना है तो आप पूरा भी लगा सकती हैं। हम इस कलर का इसे लगाएंगे। देखिए अब हम इसे सबसे पहले तो इस पे हम, चलिए इसी तरह हम लगा लेते हैं हाथों से ही। सबसे पहले इस पे हम फेविकॉल लगा लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसे इस तरह से लगा चुके हैं। अब लगाने के बाद में हम इस कलर का यहाँ पे लगा देंगे। आप चाहें तो इसे तीन कलर में भी लगा सकती हैं। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए लगा लेंगे। ये पूरी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे सब तरफ से। इस तरह से ये चोली भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये कान्हा जी का चोली बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे सूखने के बाद हम इसे मोड़ लेंगे दोनों तरफ से और ये डोरी की सहायता से इसे हम बांध देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस के साथ चोली अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।